विकास के नाम पर यहाँ लूट हुआ है। यहाँ विकास के नाम पर लूट और भेदभाव बरता जाता है। ना नाली का समुचित व्यवस्था है, ना पीसीसी सड़कों का व्यवस्था है, ना महिलाओं के लिए कहीं शौचालय है, नहीं कहीं पेशाब खाना है। जो आए दिन लोग अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए कहीं गली नाला या झुगनी झोपड़ी में बैठ करके अपना शौच किया जाए। थाना के पास हमारे से बारिश हो रही थी तो एक औरत थी जिनको पेशाब के हो सकता थी, लेकिन कहीं नहीं है। लास्ट पास बजा करके एक थाना के दीवार के पास उनको बैठना पड़ा। एक औरत खड़ी होकर के यहाँ का चेयरमैन थे जो नाला की स्थिति देख लीजिए, नहीं बना है। ये कई सालों से जी तरफ पड़ा हुआ है। बरसात होती है तो पानी निकलने का भी जगह नहीं है जी। इसमें क्या पूछा, जबकि शहर के बीचों बीच में हम लोग, जबकि शहर के बीचों बीच में है। हाँ। अब इसी से आप अनुमान लगा लीजिए यहाँ कैसा काम होता है जी। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि साफ सुथरा छवि वाले ही सभापति होना चाहिए। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज। जैसे कि नगर परिषद नकड़ियागंज का एक तरह से नॉमिनेशन तमाम कैंडिडेट ने कर दिया है, नकड़ियागंज नगर परिषद के तमाम आम जनता है, हम इनसे बात करते हैं कि ओवरऑल नकड़ियागंज में क्या प्रॉब्लम है और कैसे कैंडिडेट्स को ये चाहते हैं जीतते हुए देखना चाहते हैं, कैंडिडेट को चाहते हैं नकड़ियागंज में। बस यही कैंडिडेट पूर्व में जो यहाँ का चेयरमैन थे जो नाला की स्थिति देख लीजिए, नहीं बना है। ये कई सालों से जी तरफ पड़ा हुआ है। बरसात होती है तो पानी निकलने का भी जगह नहीं है इसमें जी। इसमें क्या पूछा, जबकि शहर के बीचों बीच में हम लोग, जबकि शहर के बीचों बीच में है। हाँ। अब इसी से आप अनुमान लगा लीजिए यहाँ कैसा काम होता है जी। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि साफ सुथरा छवि वाले ही सभापति होना चाहिए जी। तो आप बता रहे हैं, क्या लगता है कि नकड़ियागंज में अभी भी क्या क्या चीजें होने की जरूरत है, खासतौर पर शौचालय हो, शौचालय हो, नाला हो, पानी की व्यवस्था हो, शिक्षा का व्यवस्था हो। अब बहुत सारे बात हो रही है कि ये तमाम कैंडिडेट्स आ रहे हैं मार्केट में है या नॉमिनेशन लिए, कैसे आप कैंडिडेट चाहते हैं, कैसे किस तरह का छवि का? मुझे स्वच्छ छवि का होना चाहिए जो तो शहर के लिए कुछ करे। क्या लगता है कि नकड़ियागंज में बहुत सारे ऐसे चीज है जो मुद्दा है, इशू है, जैसे कि यहाँ पर बस वगैरह की अड्डा नहीं बना है, क्या कहेंगे? बस का अड्डा तो यहाँ पर जो मौजूद, बस का, टेम्पू का, रिक्शा का, यहाँ तो मैंने अड्डा तो होना चाहिए और अभी तक भी मैंने हम लगता है कि हम लोग की जिंदगी में नहीं हो पाएगा यहाँ। देखिए काफ़ी निराशा है ओवरऑल। चाचा जी आप भी काफ़ी तरह से सोशली एक्टिव हैं, क्या लगता है कि कैसे कैंडिडेट होना चाहिए और कितना विकास यहाँ हुआ है, अभी कितना जरूरत की चीज़ है विकास की? विकास के नाम पर यहाँ लूट हुआ है। यहाँ विकास के नाम पर लूट और भेदभाव बरता जाता है। ना नाली का समुचित व्यवस्था है, ना पीसीसी सड़कों का व्यवस्था है, ना महिलाओं के लिए कहीं शौचालय है, नहीं कहीं पेशाब खाना है। जो आए दिन लोग अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए कहीं गली नाला या झुगनी झोपड़ी में बैठ करके अपना शौच किया जाता है या डिस्चार्ज किया जाता है, ये तो मूल समस्या है। कई बार बहुत सारे लोग चेयरमैन हुए और लोग अपना ये धर्म और फर्ज नहीं ये समझ पाए, इससे वो शहर वंचित, इससे बहुत लोगों में आक्रोश है। जो बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, जिसके घर से माँ बहने हैं, हम लोग मुंह फेर लेते हैं। दो दिन पहले थाना के पास हमारे से बारिश हो रही थी तो एक औरत थी जिनको पेशाब के हो सकता थी, लेकिन कहीं नहीं है। लास्ट पास बजा करके एक थाना के दीवार के पास उनको बैठना पड़ा। एक औरत खड़ी होकर के देख रही थी। तो यही सारी समस्या है। कोई यहाँ आज तक जो भी चेयरमैन हुआ है नरकटियागंज बाजार में, अगर किसी को महिला हो या जेंट्स हो, अगर किसी को पेशाब लग रहा है तो वहाँ पर पेशाब करने का भी जगह नहीं है। जो दूर देहात से लोग आता है, उनको अगर पेशाब करना हो तो अपना घर पर उनको आना पड़ेगा पेशाब करने के लिए। कहीं वहाँ पर शौचालय का पेशाब करने का किसी को भी जगह नहीं है। नगरियागंज में बाजार का बात कर रहे हैं जी। हाँ, तो ये समस्या है, लेकिन प्रॉपर तौर पर यहाँ पर तो बस स्टॉप भी नहीं है, तो इस तरह से बस पड़ाव भी यहाँ नहीं है। कोई अस्थायी रूप से नगर परिषद द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा कोई उसका ना भूमि का चिन्हित किया गया है,
ना बस स्टैंड के लिए अगर चिन्हित किया गया है तो किसी निजी और किसी स्वार्थी लोगों को वो आपको क्या कहते हैं हाँ सुपुर्द कर दिया है कि इसमें अपना रोजगार कीजिए और कुछ बनी बनाई महीना और साल का हमको दे दीजिए। अच्छा क्या लगता है तो आप लोग नगरियागंज से हैं कैसे छवि का आप चाहते हैं कैसा होना चाहिए? हम लोग ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो नॉर्मल हो जो जमीन से जुड़ा हो जिसके अंदर वो सारी क्षमताएं हो समाज सेवा की जो उनके अंदर सोच हो ये नहीं कि इलेक्शन आया तो हम बड़े बड़े समाज सेवी हो गए चोला पहन लिए बगरुपिया लोग नहीं आना चाहिए जी जी जो सामने है वही होना चाहिए अंदर भी होना चाहिए बाहर भी होना चाहिए। हम यही कहेंगे यहाँ हर चीजों में लूट हुआ है पानी के लिए बहाव नहीं है नाला का कोई निर्माण नहीं है अगर है तो यहाँ भेदभाव बरता जाता है वो चाहे वार्ड पार्षद बरते या चेयरमैन बरते या अधिकारी बरते या पदाधिकारी बरते या ठेकेदारों से घिरा हुआ है ये नगर परिषद जो ज़्यादा बोली लगाता है जो 10 नंबर काम कराता है वही यहाँ का बेस्ट ठेकेदार है। हेल्थ सिस्टम को आपको क्या करना है? हेल्थ सिस्टम में यहाँ तो कोई देखिए आप भी देखे होंगे कि जर्जर व्यवस्था है करोड़ों का लागत से भवन बन गया और उसके आगे पीछे जाकर देखिए कि कचरों का अंबार है कैसे कोई अस्वस्थ आदमी वहाँ स्वस्थ हो करके अपने घर लौटेगा जो स्वस्थ भी आदमी होगा अस्वस्थ आदमी के साथ जो अटेंडेंट बन के जाता है वो भी बीमार पड़ जाएगा। यहाँ कोई ध्यान नगर परिषद या पदाधिकारियों का नहीं है या डॉक्टर भी यहाँ एक्टिव नहीं रहते हैं यहाँ प्रभावशाली लोग जाते हैं अगर खांसी भी होता है तो उनके लिए 10 डॉक्टर खड़े हो जाते हैं और जो सामाजिक रूप से उसकी पहचान नहीं है गरीब गुरबा है तबका का है रिक्शा पुलर हो या किसी छोटे परिवार से आता हो गरीब हो दलित हो उसका सुधि लेने हॉस्पिटल में कोई ना कर्मचारी आता है ना डॉक्टर आता है यही हाल है यहाँ जी। देखिए तमाम यहाँ पर जो जनता हैं अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं कि नगरियागंज में कितना हाल बेहाल है और कितनी सुधार की ज़रूरत है और अभी तक विकास जो इनके जो हुआ है कहीं ना कहीं पूरा विकास नहीं हो पाया है और तमाम जो कि नाली भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो नहीं बनी हुई है तो ये चीज़ें हो रही है। लगातार हम आपसे तमाम जनता से बात करते रहेंगे कि आखिर मसला क्या है नगरियागंज का विकास कहाँ तक पहुँचा है किस इलाके में हुआ है क्या क्या समस्या है लगातार हम लोग बताते रहेंगे। बहरहाल आप जामिया वाल देखते रहें साथ में पब्लिक न्यूज़ मैं मोहम्मद तस्लीम नगरियागंज अनुमंडल से।